नमस्ते, मैं हूँ पाल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ सबसे पहले अबाउट पद्मश्री एकता कपूर और उसके बाद विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्मश्री एकता कपूर के बारे में। पद्मश्री एकता कपूर भारत के नौजवानों के चरित्र निर्माण के लिए अपने सेमी पॉन वेब प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पे एक पॉन सीरीज लेकर आई है जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड। और ये सीरीज के अंदर वो एक चरित्रहीन बीवी के किरदार को दिखा रही है कि वो इतनी डेस्परेट है सेक्स करने के लिए कि वो अपने पति जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है उसकी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करती है अपने लवर के ऊपर और उसे वो यूनिफॉर्म पहना कर सेक्स करती है, वो यूनिफॉर्म को फाड़ती है सेक्स करते समय, वो यूनिफॉर्म जब उसका लवर पहनता है तब उसे चाबुक मारती है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। तो ऐसे चरित्रहीन विचारधारा, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल विचारधारा फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म जिसपे इंडियन एम्बलम भी है उसको प्रमोट किया जाता है इन दिस वेब सीरीज जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड। वो वेब सीरीज जिसकी निर्माता है एकता कपूर, पद्मश्री एकता कपूर। इसके खिलाफ FIR दर्ज करी गई है बाय विशाल कुमार फ्रॉम हैदराबाद। आई थिंक कंप्लेन है अभी एंड इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एन FIR, बट जो भी इसके खिलाफ कंप्लेन या FIR दर्ज करने का प्रयास कर रहा है मैं उसे सम्मान देती हूँ क्योंकि ऐसे पहले अपना धंधा सास बहू के सीरियल्स प्रमोट करके और अब अपना धंधा चलाने के लिए पहले सनी लियोन को बेचना और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करना कहीं से भी ठीक नहीं है। और एकता कपूर को इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उसको पद्मश्री किस बेसिस पे दिया गया ये मुझे आज तक समझ नहीं पड़ा। आगे बात करते हैं अबाउट विराट कोहली की बीवी अनुष्का शर्मा जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस समझती है। ये अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बनी है विद अ वेब सीरीज जिसका नाम है पाताल लोक। बहुत दिनों से पाताल लोक के ऊपर व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे मगर मैंने ये सीरीज नहीं देखी थी ना इसका ट्रेलर देखा, मगर जब जावेद अख्तर साहब ने इस सीरीज के ऊपर प्रेज व्यक्त किया, मतलब इस सीरीज के अच्छाइयों के बारे में बातचीत करी ट्विटर के ऊपर और वो ट्वीट मैंने देखा तो मुझे लगा कि जरूर ये सीरीज कहीं ना कहीं से हिंदू फोबिया प्रमोट कर रही है चाहे इसकी प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा है या नहीं। अनुष्का शर्मा एक हिंदू फोबिक हिंदू है क्योंकि इस सीरीज के अंदर एक्चुअली एंटी हिंदू विचारधारा प्रमोट किया गया है और ये सीरीज के अंदर पॉइंट्स में जो एंटी हिंदू विचारधारा है उसको मैं आज आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई मेरे खिलाफ गलत FIR दर्ज करे क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ आइडियाज शेयर किए गए हैं पाताल लोक पे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वेब सीरीज में सुना है कि एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। आई थिंक आइडियली कुतिया का नाम अनुष्का रखना चाहिए था मगर यहाँ पर कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ से मिलते जुलते पात्र पर प्रहार किए गए हैं। उन्हें किसी और पात्र के माध्यम से भगवा कपड़ों में छुआछूत करता दिखाया गया है। कोर्ट में साबित होने के बाद कि जुनेद की मौत ट्रेन में सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से हुई थी, इस वेब सीरीज में गौ मास का एंगल डालकर उसकी लिंचिंग दिखाई गई है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने ये करतूते करी है अपने वेब सीरीज के अंदर। शुक्ला नामक ब्राह्मण पात्र सेक्स बलात्कार करते वक्त कान पर जनेऊ डाल देता है, इस वेब सीरीज के अंदर एक ब्राह्मण को बलात्कार करते हुए दिखाया है ना कि एक मौलवी या पादरी को, क्योंकि अनुष्का शर्मा एक कायर हिंदू है, एक लालची हिंदू है और वो अपना धंधा चलाने के लिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। मंदिर के पुजारी और महंत मंदिर में मांस खाते हुए दिखाई दिए गए हैं जबकि हिंदूज मांस नहीं खाते हैं और गौ मांस तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। हिंदू महिला को जब मुस्लिम औरत पानी देती है तो वो पानी लेने से इनकार कर देती है। ओ माय गॉड, अनुष्का शर्मा तेरा क्रिएटिव दिमाग तो मेरे पैर के नीचे पैर में पहनने वाले जूती से भी ज्यादा गया गुजरा है। तेरा क्रिएटिव दिमाग इतना गंदा और घिनौना था मुझे पता नहीं। तेरे को ए ग्रेड एक्ट्रेस कैसे बन, तू ए ग्रेड एक्ट्रेस कैसे बन गई भारत के अंदर? ऑन व्हाट बेसिस? By, you know, ass licking the people who are obviously Hindu phobic, I think you became an actress in India. साथ साथ में सारे दुर्दांत अपराधी यानी गुंडे शुक्ला त्रिवेदी और त्यागी दिखाए गए हैं। So can you imagine, ये सटली भारत के लोगों को हिंदू लोगों के खिलाफ हिंदू विचारधारा के खिलाफ you know inspire करते हैं by selling these web series.
एक मुस्लिम कैरेक्टर है इमरान रूपी, जो निहायत टैलेंटेड है और पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और आईएसएस की तैयारी कर रहा है। हिंदू उस पर छीटाकशी करते हैं, मींस हिंदू इन दिस वेब सीरीज मेक फन ऑफ इमरान कैरेक्टर। द सो द सीरीज इज प्रो मुस्लिम बट एंटी हिंदू, एंड ऐसी सीरीज का प्रमोशन करके, ऐसी सीरीज को प्रोड्यूस करके अनुष्का शर्मा पैसा कमाना चाहती है भारत के अंदर। आर्यवत नामक देश में मोमिनों को पानी पीने तक की आजादी नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। तो अनुष्का शर्मा ने जानबूझ के ये आर्यवत शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आर्यवत शब्द भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, एक प्राचीन शब्द है जिसका इस्तेमाल लीला करके नेटफ्लिक्स की दीपा मेहता की सीरीज में भी किया गया था। और ये दिखाकर अनुष्का शर्मा हिंदू राष्ट्र के हमारे सपने को तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि हिंदू राष्ट्र में मोमिनों को पानी तक नहीं दिया जाएगा। जो हिंदू राष्ट्र हर एक हिंदू की कल्पना है, कामना है, इच्छा है, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, मगर पूरे विश्व के अंदर एक भी हिंदू देश नहीं है हिंदुओं के लिए। तो अगर हिंदू कल्पना करता है हिंदू राष्ट्र की, तो उस हिंदू की कल्पना को तोड़ने के लिए आर्यवत नामक देश के में मोमिनों को पानी पीने तक की आजादी नहीं है, ऐसी गंदी विचारधारा प्रमोट करके अनुष्का शर्मा हमारे सपने को तोड़ना चाहती है। साधु संत माँ बहन की गाली बकते दिखाई दिए गए हैं इसकी घटिया पाताल लोक सीरीज में। मार काट के लिए गुंडे चित्रकूट से बुलाए जाते हैं, आप सबको चित्रकूट का इंपॉर्टेंस तो पता होगा। अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान सरकार को तानाशाही शासन बताया जाता है, वो तानाशाही शासन जिसके सामने अनुष्का शर्मा ही करके हंसती है जब उसको मोदी जी चाहिए अपनी वेडिंग रिसेप्शन पे या अपनी वेडिंग पे। वो अनुष्का शर्मा जो ऑब्वियसली विराट कोहली को अवार्ड मिल रहा होता है तो सच धस के चली जाती है मोदी जी के सामने नतमस्तक होने के लिए, वो अनुष्का शर्मा अपनी वेब सीरीज में प्रेजेंट सरकार को तानाशाही बता रही है। अनेक बार भगवा कपड़ों में जय श्री राम बोलते लोगों को गुंडागर्दी करते भी दिखाया गया है, और ये सब दिखाया गया है पाताल लोक में जो लास्ट हफ्ते रिलीज हुई है। तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि अनुष्का शर्मा जो ऑब्वियसली अब जॉबलेस है क्योंकि शादी के बाद उसकी बहुत सारी फिल्में नहीं आई, और ऐसी वेब सीरीज बनाकर अगर उसकी कोई फिल्म आगे आती भी है तो हम हिंदुओं को उसकी फिल्में बॉयकॉट करनी चाहिए। उसके पति के पास बहुत पैसा है, उसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पैसों से भारतीय विचारधारा के खिलाफ सीरीज बनाए और अपने आप को हिंदू फोबिक बॉलीवुड में बनाए रखे। तो ऐसे एक्टर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसे पद्मश्री प्रोड्यूसर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, यही मेरी आप सबसे विनती है। बॉयकॉट पद्मश्री एकता कपूर एंड बॉयकॉट द सो कॉल्ड विराट कोहली बीवी अनुष्का शर्मा, क्योंकि उसने ऐसी घटिया वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है। नमस्ते।